नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आस्था चौहान और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले देखेंगे हेडलाइंस। राजगढ़ जिले के पचौर में भी शुरू हुआ SC ST एक्ट का विरोध। काला कानून बंद करो के नारे लगाते हुए निकाली रैली। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आदतन अपराधी को न्यायालय में मरते दम तक सलाखों के पीछे रहने के लिए सजा। पीलीभीत में घर की छत पर खड़ी युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली। युवती की हालत गंभीर, पुलिस लगा रही गोली चलाने वाले सिरफिरे का पता। राजगढ़ जिले के पचौर में भी SC ST एक्ट का विरोध शुरू हो गया है। पचौर की उत्सव वाटिका से काला कानून बंद करो के नारे लगाते हुए मुख्य मार्गों से तहसील कार्यालय तक रैली निकाली और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। SC ST एक्ट का विरोध पूरे प्रदेश में आग की तरह फैलता जा रहा है। राजगढ़ जिले के पचौर नगर में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने संपूर्ण भारत में SC ST एक्ट के विरोध में अपने अपने जिले के सांसदों को ज्ञापन देने की बात कही थी। इसी क्रम में उत्सव वाटिका में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद उत्सव वाटिका में काला कानून बंद करो एवं समानता का अधिकार मत छीनो के नारे लगाते हुए रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। यहां पर सभी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार निमिषा पांडे को सौंपा। इसके बाद सभी लोगों ने सांसद रोडमल नागल को ज्ञापन सौंपा। खिलचीपुर से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। 6 साल की मासूम को घर से उठाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। मामला 7 सितंबर 2017 को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के दुधिया दीवान गांव का है। 7 सितंबर 2017 को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के दुधिया दीवान गांव में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म वाले मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। राजगढ़ से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शेख सलीम की बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी लड्डू उर्फ मेहताब को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी आदतन अपराधी है। उसका भोपाल न्यायालय में 302 का मामला चल रहा है। गौरतलब है कि दुधिया दीवान गांव में 7 सितंबर 2017 की रात को बालिका अपने घर में परिवार वालों के साथ सो रही थी। इसी दौरान आरोपी अपने घर में घुसा और बच्ची को उठाकर खेत की मेड़ पर ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म कर बालिका को वहीं छोड़कर फरार हो गया था। राजगढ़ से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्गत दिनांक 7/9/17 को एक 6 वर्ष की अबोध बालिका के साथ रेप की घटना की गई थी। उसमें आज माननीय न्यायालय का अहम फैसला आया है और लड्डू उर्फ मेहताब को सभी धाराओं में दोषी पाकर उसको शेष प्राप्त जीवन काल तक के लिए आजीवन कारावास से और 1.25 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह अपराधी पूर्व का सजायाफ्ता अपराधी भी है। इसके खिलाफ एक प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय भोपाल में लंबित है। वो प्रकरण धारा 302 का है। अपने घर की छत पर खड़ी युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना पीलीभीत के कोतवाली सदर थाना क्षेत्र के गांव चंदोई की है। युवती को गंभीर हालत में बरेली के हायर सेंटर में रेफर किया गया है। पीलीभीत के कोतवाली सदर थाना क्षेत्र के गांव चंदोई में ऐसा मामला सामने आया है जो न तो पुलिस को समझ आ रहा है और न ही आसपास के लोगों को। महाचंदी गांव के पूर्व प्रधान अनीस अहमद अपनी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी के साथ कई सालों से गांव चंदई में रह रहे हैं। परिजनों ने बताया कि उनके 18 साल की बेटी सिमरन मकान की छत पर किसी काम से गई थी, तभी अचानक कहीं से एक गोली आकर उसके सीने पर लगी और आर पार हो गई। आनन फानन में सिमरन को बरेली के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस को छत पर खून के निशान नहीं मिले और न ही किसी ने आसपास गोली की आवाज सुनी। पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच कर रही है। एक लड़की को गोली लगी है, जिसको हॉस्पिटल में लाया गया है, वहाँ से रेफर बरेली कर दिया गया है। इसकी जांच की जा रही है, कैसे गोली लगी है, कहाँ से लगी है, कौन इसका दोषी है, पूरी संपूर्ण जानकारी करके कार्रवाई की। ये इसके लेफ्ट साइड ब्रेस्ट ऊपरी भाग में एक गन 7 इंची उम्र है और इसके बैक में लेफ्ट साइड बैक से ही ये बैक के निचले भाग से निकला हुआ है। इसमें एंट्री एग्जिट दोनों हुए हैं। क्या गोली मारी गई है?
क्या बताया जो पीड़ित थी लड़की घायल, उसने कुछ बताया किसने मारा क्या हुआ? ना ना उसने कुछ नहीं बताया, उसने कहा हमें जानकारी नहीं हो पाई किसने मारा। क्या इलाज किया आपने और क्या किया फिर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही समाजवादी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह फैजाबाद पहुंची। यहां पहुंचकर गीता सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा और सरकार की कई खामियां गिनाई। महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए सपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह ने फैजाबाद में अपनी पार्टी का जमकर बिगुल बजाया। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव के जाने से सपा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सपा अपने फैसले पर अडिग है, सपा का कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। गीता सिंह ने कहा कि महिलाएं घर की रसोई छोड़कर महंगाई को लेकर सड़कों पर मोदी और योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेश की महिलाएं सभी जनपदों में अक्टूबर माह में सम्मेलन व आंदोलन करेगी। फैजाबाद से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।